Hello everyone, my name is Muhammad Aftab Alam. Today I am going to study about Gestalt theory by Werdemer. So let's just start Gestalt psychology. Gestalt psychology developed as a reaction to structuralism in the early 19th century. 19th shatabdi mein ye theek opposition mein aaya tha structuralism theory ke. स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एज पार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, कहता है कि पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होल की बात करता है. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अपोजिशन में आया था बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के भी. गेस्टाल्ट थ्योरी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल. गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड, मीन्स कॉन्फिग्रेशन और अ कंप्लीट शेप. The whole is more than the sum of its part. Gestalt means shape or form. Major proponent of these theories are Max Werdemer developed Gestalt principle, Kurt Kafka developed law of perception, Kohler worked with inside theory, Kurt Lewin developed field theory. So let's just know about Max Werdemer. He was the founder of Gestalt psychology, born in Paraguay in 1880. Studying at the University of Frankfurt, he became aware of a form of apparent motions that was called phi phenomena. Phi phenomena, when two or more lights are in close proximity to each other, flashing alternately, appeared to be one light moving back and forth. Thereafter, the whole was different from the separate part. Phi phenomena ये एक इस तरह की घटना है जिसमें क्या होता है कि डिजिटल लाइटिंग जो होती है उसमें जब हम एक बल्ब को क्या करते हैं अल्टरनेट करके ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा क्या होता है बल्ब जो है वो रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो उसी को फाई फेनोमेना कहा गया था. कर्ट कुफ्का रोट हिज फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935. ही टॉक्ड अबाउट ज्योग्राफिकल वर्सेस बिहेवियरल एनवायरनमेंट. पीपुल्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हाउ दे परसीव द एनवायरनमेंट rather than by the nature of the environment. Kafka ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम Principle of Gestalt Psychology थी. इसके अलावा इन्होंने geographical और behavioral environment की बात की है कि geographical environment के मुकाबले जो behavioral environment होता है किसी भी मनुष्य का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. बिहेवियरल इन्वायरमेंट वो किस तरह से इन्वायरमेंट को परसीव करता है, किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को देखता है, सेंस करता है, उससे कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर होता है वो इफ़ेक्ट होता है, ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट से. अब हम बात करते हैं वोल्फगैंग कोहलर की. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट एंड ट्रांसपोजिशन. इनसाइट की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू एनोदर. एक परिस्थिति में सीखी गई चीज़ों को किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल में लाना, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात जो ट्रांसपोजिशन में की गई है. यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स. जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि साइकिल का कुछ पार्ट्स हैं उसके मुकाबले जो सबको एक साथ ऐसे होल देखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. द यूनिफाइड होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स. प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी प्रिंसिपल कुछ जो कि वर्दीमर ने दिया था. फिगर एंड ग्राउंड, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर. तो एक एक करके जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम जानते हैं. दिस प्रिंसिपल शोज आवर परसेप्चुअल टेंडेंसी टू सेपरेट होल फिगर फ्रॉम देयर बैकग्राउंड्स based on one or more of a number of possible variables such as contrast,
color, size, etc. The figure appears to the eyes as a square inside a circle or as a dot shaped circle with a square as a whole. जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक सर्किल के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम ये हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे तो सर्किल के अंदर स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि स्क्वायर के बाहर सर्किल को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सर्किल और स्क्वायर दिया हुआ है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमेशा हम सर्किल के अंदर इस स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि इस स्क्वायर के बाहर जो है सर्किल उसको ऑब्जर्व करते हैं। The eyes differentiate an object from its surrounding area. Shape is naturally perceived as a figure. मतलब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है, फिगर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दिए तो ये फिगर कहलाए। जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे, बैकग्राउंड कहेंगे। तो बेसिकली इस पे ये जोर देता है। इसमें जैसे ये ब्लैक वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड वाले फिगर में, वो क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाएगा। वाइट वाला हिस्सा फिगर कहलाएगा। तो जो भी नैरो लाइनिंग होती है वो फिगर कहलाता है, और जो मैक्सिमम एरिया जो होता है, शैडो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्या था, फिगर एंड बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? दिस लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट डैट ऑब्जेक्ट्स और शेप्स डैट आर क्लोज टू वन अनदर अपीयर्स टू फॉर्म ग्रुप्स इवन इफ द शेप्स साइज एंड ऑब्जेक्ट आर रेडिकली डिफरेंट दे विल अपीयर एज अ ग्रुप इफ दे आर क्लोज टुगेदर। अगर वो एक साथ आता है फिगर, दूसरे के करीब नज़दीक आता है, तो वो हमें देखने में क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे फिगर एक दूसरे के काफ़ी करीब है, तो ये सारा जो स्क्वायर है एक दूसरे एक कंप्लीट फिगर दिखता है। यहाँ पे ये सारे फिगर क्या होते हैं, कंप्लीट फिगर दिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे दूर दूर है, तो ये क्या है, दूर दूर अगर हम पॉइंट दे दें तो इसको हम एज ए कंप्लीट फिगर नहीं देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सर्किल्स है, तो ये जो सर्किल है इसके अंदर ये सिक्स सर्किल जो एक साथ है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये छः सर्किल क्या है, ग्रुप है, और ये छः अलग ग्रुप है, और इस दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है ये सिक्स सर्किल और सिक्स सर्किल के बीच, तो इसे एज एक ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही कहता है कि जो भी फिगर एक दूसरे के क्लोज होता है उसे हम एज ए ग्रुप मानते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। This principle of closure applies when we tend to see complete figure even when part of the information is missing and when an object is incomplete or a space is not completely enclosed. यानी कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि इस फिगर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्लोजर जो लिखा हुआ है इसके करीब में यहाँ पे बीच बीच में मिसिंग लाइन है, लेकिन एज ए होल हम देखते हैं, हम मिसिंग लाइन को अलग अलग नहीं देखते हैं बल्कि एज ए होल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एज ए इसको हम पूरा देखते हैं, मिसिंग लाइन को भी हम अपने माइंड में एज ए होल ऑब्जर्व करते हैं, ना कि पार्ट बाय पार्ट हम उसको देखते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पे भी दिया गया है, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ये जो सारी मिसिंग लाइनें हैं इसे हम क्या समझेंगे, एज ए होल समझेंगे। यहाँ पे एज ए होल हम समझते हैं, एक ये सबको स्क्वायर समझेंगे, मिसिंग लाइन को भी हम एक अपने माइंड में कंप्लीट फिगर। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर इफ दे सेम टू कंप्लीट सम एंटिटी। आवर ब्रेन ऑफ्टन इग्नोर कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन गैप इन इन्फॉर्मेशन। तो जो खाली जगह उसमें हम इंफॉर्मेशन को खुद ब खुद हमारा ब्रेन फिल कर देता है, भर देता है। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ सिमिलरिटी। The principle of similarity state that things which share visual characteristics such as shape, size, color, texture or value will be seen as belonging together in the viewer's mind. In the graphical view, the viewer is likely to discern a shape in the middle, though each individual object in the same color.
जैसे यहाँ पे जितने भी सारे शेप्स हैं वो सब स्क्वायर में, ये सर्किल है, तो उसे एज ए होल हम ऑब्जर्व करते हैं, जबकि ये सारा जो ये जो सारा दिया हुआ है स्क्वायर, इसको इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी जितने भी सारे सर्किल हैं इसको एक साथ हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको एक साथ करते हैं, ये सारा स्क्वायर को एक साथ करते हैं, इसको स्क्वायर को एक साथ करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है या सिमिलर कलर होता है उसको हम एज ए होल हमारा माइंड क्या करता है कि परसीव करता है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी सजेस्टेड दैट थिंग सिमिलर अपीयर ग्रुप टुगेदर। ग्रुपिंग कैन अकर्स इन बोथ विजुअल एंड ऑडिटोरी स्टिमुलाई। इन द इमेज ए वर्ब द फॉर एग्जाम्पल यू प्रोबेबली सी द ग्रुपिंग ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल एज अ कॉलम। यहाँ पे भी सर्किल को हम एक कॉलम में देख रहे हैं, स्क्वायर को एक कॉलम में देख रहे हैं, तो जो सिमिलर फिगर है उसे हम एक कॉलम में देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं, इस फिगर को भी आप देख सकते हैं इस तरह से। लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट लर्नर्स टेंड्स टू कंटिन्यू शेप बियॉन्ड देयर एंडिंग पॉइंट्स। किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कंटिन्यू देखते हैं। द एज ऑफ वन शेप विल कंटिन्यू इन टू द स्पेस एंड मीट अप विद अदर शेप और द एंड ऑफ द पिक्चर प्लान। जैसे यहाँ पे ये जो एरो दिखाया गया ऊपर वाला, एज इसको हम कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरह से जो नीचे वाला एरो है उसको भी हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं। हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, हम इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब हम दोस्तों आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये जो कंटिन्यूअस फिगर है, स्ट्रेट लाइन चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक हो, उसको एक साथ मिला के देखते हैं। स्ट्रेट लाइन को एक साथ देखते हैं और ये जो कर्व लाइन है इसको एक साथ देखते हैं, तो कंटिन्यूटी फिगर में हमारा जो माइंड है वो परसीव करता है, वो समझता है इसको। लॉ ऑफ सिमेट्री ऑफ और ऑर्डर। सिमेट्री और ऑर्डर। सिमेट्री स्टेट दैट द व्यूअर्स शुड नॉट बी गिवेन द इम्प्रेशन दैट समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस और मिसिंग और रॉन्ग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ सिमेट्रिकल द व्यूअर विल वेस्ट टाइम ट्राइंग टू फाइंड द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेटिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे इस फिगर से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हमको ये फिगर दिया जाएगा तो हम इस फिगर को एज ए होल 1 2 3 4 5 सर्किल समझेंगे, ना कि हम इसको इस फिगर को हम इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि ये अलग फिगर है, ये अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग। इस तरह से हम नहीं ऑब्जर्व करते। जब भी हमें ये फिगर हमारे सामने आएगा तो हम सीधे ये देखते हैं कि इतना सारा 5 यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, ना कि ये एक अलग शेप है, फिर ये अलग शेप है, यानी ये अलग, फिर ये शेप अलग, फिर ये शेप अलग। तो इस तरह से हम नहीं देखते हैं, एज ए होल हम क्या करते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मेंटेन दैट द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पार्ट। अगर हम पार्ट को जोड़े फिर भी एक कंप्लीट होल नहीं बनेगा, तो होल हमेशा क्या होता है, पार्ट से बड़ा होता है। तो ये मेरिट्स है इस थ्योरी की। गेस्टाल्ट लेट्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस स्थान दिया है, एंड डिफिनिट गोल्स एंड पर्पस इन एनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। दिस हैज़ रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल रोल टू मोटिवेट इन एनी स्कीम ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। मतलब मोटिवेशन की बात कही है इन्होंने, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसकी बात की है। फील्ड थ्योरी में जिस तरह से कर्ट लेविन ने बताया कि जो एक पर्सनैलिटी होता है और इन्वायरमेंट होता है, दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होता है, तब जाके क्या होता है कि बिहेवियर में चेंज आता है। गेस्टाल्टिज्म हैज़ अ नोटेबल फीचर डैट इट मेक द टास्क ऑफ परसेप्शंस लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलिजेंट टास्क रेदर देन अ पीस मील मोलिकुलर फंक्शन और अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिकल प्रोसेस।
It has provided a scientific and progressive method of problem solving based on the cognitive ability of the learner. यानी कि ये problem solving ability पे ज़्यादा focus करता है stimulus response के मुकाबले. ये behavioral approach को reject करता है और cognitive approach को ये accept करता है. Gestalt has necessitated research in the field of organizational climate, instructional planning, group dynamics for organizing the factor in the environment of the learner into a meaningful whole so as to put in the best effort for managing the affairs of education and welfare of the individual. अगर कोई आदमी whole को समझ जाता है तो वो क्या कर सकता है कि एजुकेशन और वेलफेयर में बहुत अच्छा कर सकता है. इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे बीइंग टू डिस्क्रिप्टिव इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन एंड मॉडल्स फॉर डिस्क्राइब फेनोमेना. ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ किसी की क्वालिटी को बताता है, ये क्वांटिटी की बात नहीं करता है, ये प्रैक्टिकल की बात कम करता है ये थ्योरी जो है. इन्वेस्टिगेटिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस लाइक परसेप्शंस, सिर्फ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की परसेप्शंस की बात करता है. लैक ऑफ प्रिसीजन इज इन डिस्क्रिप्टिव एंड जस्ट क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. सिर्फ इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, इसमें प्रिसीजन की कमी पाई जाती है. डिनाइंग द बेसिक साइंटिफिक अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए होल एज अ सेट ऑफ इट्स पार्ट. यानी पार्ट को ही मिलाकर के होल बनाया जाएगा. जो सिंथेसिस होता है, एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस को ये क्या करता है कि इग्नोर करता है. इसमें क्या है कि हैज़ लिटिल प्रिडिक्टिव पावर. अ जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी हैज़ बीन दैट इट डज नॉट प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इमोशन एंड पर्सनैलिटी. यानी कि ये इमोशन और पर्सनैलिटी के ऊपर कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं करता है. अब हम कंक्लूजन की बात करें तो एज अ रिजल्ट वी कंक्लूड दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैज impacted the field of psychology to a huge extent, mainly in terms of perceptions, memory and learning. Principle of gestalt psychology like isomorphism, productive thinking and reproductive thinking had proven to be the few best psychological theories that have been implemented to date since gestalt have progressed so much till date. Gestalt therapy has been established and it aims in helping individual understand their internal self in order for them to understand their action, reaction as well as behavior. तो अगर आपको ये theory अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस channel को like और subscribe जरूर कीजिएगा. Thank you.